वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्किल यूथ गुरुकुल। डियर एसवाईजियंस, ये जो वीडियो है बेसिकली हमारे जूनियर एसवाईजियंस के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसके अंदर हम लोग MSME प्रौद्योगिकी केंद्र भिवाड़ी का जो एक डिप्लोमा लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, कोर्स है, उसमें एडमिशन से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि इस सेशन में शुरू हो चुके हैं। ये एक डिप्लोमा कोर्स होने वाला है MSME टेक्नोलॉजी सेंटर भिवाड़ी के अंदर, और लगभग इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम डिस्कस। ये जो कोर्स है बेसिकली सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक सोसाइटी है जिसके अकॉर्डिंग करवाया जाएगा, और ये जो है वो भिवाड़ी जिला अलवर राजस्थान में इनका इंस्टीट्यूट है, वहाँ कंडक्ट होगा। तो इसका कोर्स का नाम जो है वो डिप्लोमा लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी के लिए प्रवेश प्रक्रिया 2022-23 MSME प्रौद्योगिकी केंद्र भिवाड़ी, केंद्र सरकार के लघु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में शिक्षा प्रदान करने हेतु संस्थान है। ये जो संस्थान है ये प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अगस्त 2022 से शुरू होने वाले तकनीकी शिक्षा बोर्ड राजस्थान से अनुमोदित ये कोर्स रहने वाला है। इसका एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो है उसका दूसरा बैच होगा, उसमें एडमिशन्स की जो घोषणा करता है। कोर्स का नाम जो है वो डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी है। इसका ड्यूरेशन या अवधि 3 साल की है, और इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 40 है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10वीं के अंदर न्यूनतम मिनिमम 35% मार्क्स विज्ञान और गणित के साथ होने चाहिए, या इक्विवेलेंट कोई एग्जाम आपने पास किया होना चाहिए। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, प्रवेश परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो कि वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in पर या फिर sso.rajasthan.gov.in पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो बेसिकली 28 जून 2022 से ऑनलाइन एडमिशन्स का जो फॉर्म है वो चालू हो चुका है, और ऑनलाइन पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त 2022 है। अब इसके अंदर अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब ST के जो कैंडिडेट होंगे, उनके जो कैंडिडेट हैं उनसे ट्यूशन फीस जो है वो नहीं ली जाएगी। इसके अलावा जो चार्जेस होंगे वो इन दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स को देने होंगे। ये एडमिशन्स बालक एवं बालिका दोनों के लिए ओपन है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, और यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए बेसिक चार्जेस के ऊपर हॉस्टल की फैसिलिटी भी, छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। अब सामान्य निर्देश की बात करें तो किसी भी मदद के लिए अभ्यर्थी जो है वो सेंटर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जानकारी के लिए आप www.dte.rajasthan.gov.in पर सूचीपत्र देख लें, या फिर इनकी खुद की वेबसाइट www.msmetcbhiwadi.org पर संपर्क या विजिट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 014-93-242-101, 014-93-242-158, 01493-242-155। मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं 9373-16-1259, 9373-16-1260। एक और मोल नंबर है 8595-44-7671। ईमेल भी दी हुई है trg.enq@msmetcbhiwadi.org। आप इस पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस एडमिशन से रिलेटेड कुछ जो लिंक्स हैं या PDF फॉर्मेट हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इन कोर्सेज को करने का बेनिफिट ये होता है कि आप जो है वो टेक फील्ड के जो जॉब्स होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, वो जल्दी से मिलने के चांसेस होते हैं, बहुत जल्दी चांसेस होते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अच्छा जॉब मिल जाए। और आप चाहें तो इस कोर्स को रेगुलर कर सकते हैं, और वैसे भी इस सेशन के अंदर ड्यूल डिग्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके अंतर्गत दो रेगुलर मोड में कोर्सेज आप कर सकते हो, लेकिन उनका टाइमिंग्स सेम नहीं होना चाहिए। तो आप ये कोर्स करके और इसके अलावा कोई और कोर्स को कॉरेस्पॉन्डेंस से या रेगुलर से कर सकते हैं, बट एक ही जगह पर होने चाहिए और टाइमिंग अलग अलग होना चाहिए। तो और इस कोर्स को करने का फ़ायदा ये है कि इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे जॉब ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आपको, और ये 10वीं क्लास के बाद करने वाला कोर्स है, अगर आप कंफ्यूज है कि आपको कौन सा विषय लेना चाहिए, तो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो अभी जो नंबर्स शेयर किए गए थे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और आप ये वीडियो अपने जूनियर एसवाईजीएंस के साथ में जिन्होंने अभी 10th क्लास पास की है के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो रहने वाला है। हमारे पास अक्सर होता क्या है कि 10th क्लास करने के बाद में सब्जेक्ट चूज करने के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो ये वही इन्फॉर्मेशन आपके साथ में साझा करने का एक प्रयास है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में।